हाय दोस्तों, बीआर लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी को कुछ खास लोगों के द्वारा दी गई उपाधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ये जब रंगून में थे, रंगून ये क्या है, ये म्यांमार की एक राजधानी है। म्यांमार जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। तो सुभाष चंद्र बोस जब रंगून में थे तो वहाँ से उन्होंने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया था। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को बापू कह के बुलाया गया था। ये इन्हें महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सकते थे वो काम अकेले महात्मा गांधी जी ने किया था, तो इससे प्रोत्साहित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। भर्ती करने वाले सार्जेंट ये उपाधि लोगों के द्वारा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा जो है सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, तो उस समय लोगों के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। विंस्टन चर्चिल इनके द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी गई थी। जब गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो उस समय जो है विंस्टन चर्चिल ने उनके पहनावे को लेकर उनका मजाक बनाया था और उन्हें अर्धनंगा फकीर कह के बुलाया था। मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के उपलक्ष्य में, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने उस चंपारण सत्याग्रह से प्रोत्साहित होकर महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये कुछ उपाधियाँ थी जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं कि महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं। ये महात्मा गांधी जी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं कि महात्मा गांधी जी की कौन सी पुस्तकें हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये एक आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी जी के द्वारा SS राजपुताना जहाज पर लिखा गया था। अनासक्ति युग ये महात्मा गांधी जी की एक विवादित पुस्तक है। दोस्तों इन सबसे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।